हेलो रोशनी जी, नमस्ते। मेरा नाम रोशनी श्याम है और मैं गोंड आर्टिस्ट हूँ और मैं 8 या 9 साल से काम कर रही हूँ। आप हंसिए, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, आप हंसते रहिए। नहीं, वो बनाई थी मैंने उसको तो अभी फिर बना लीजिए, एक वीडियो शूट हो रहा है आपका, सभी आपको देखेंगे तो उनको लगेगा ना, हाँ भाई ये बड़ा अच्छा हंसते हैं तो इनकी पेंटिंग भी उतनी अच्छी होनी है, ले लेते हैं। आप बताइए, ये जो आपने पेंटिंग बनाई है इसके पीछे की कहानी क्या है? राधा कृष्ण दिख रहे हैं मुझे जी, ये राधा कृष्ण है और इसको प्रेम की वो माना जाता है, मतलब पुराण में जो है, हाँ वो श्री कृष्ण जी को जी। उसी को सोच के मैंने इसको बनाया था जी। कि अभी मतलब जो हम मानव अवतार जो लिए हैं तो उसमें यही सब चलता है कि प्रेम के मतलब ऊपर ही, मतलब सब जिंदगी जो भी जाता है इसी के ऊपर ही जाता है, तो वही सोच के मैंने इसको बनाया था। तो इनके जमाने में इनके वो यही था जो समझ पाते थे, इनका वो शब्द। हाँ, ये आप कहना चाह रही हैं कि ये मूक जानवर ही थे जो उनको, उनके प्रेम को समझ पाते थे, जानते थे बस जी। और तो उस टाइम में तो कोई इनके साथ था ही नहीं, राधा जी थे और कृष्ण जी थे और उनके साथ बस ये ही थे, वही मैंने सोच के बनाया था इसको। वैसे प्रेम को तो आज भी सिर्फ जानवर ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है अगर देखें तो। और ये भी आपकी बनाई हुई पेंटिंग जी? नहीं, ये मेरे पति के बनाया हुआ है और भी मेरे इधर। अच्छा, तो आप कब से कर रहे हैं पेंटिंग? ये तो 8-9 साल से, हाँ, हो गया मेरे पति के साथ से। तो आपने भी सीखा कहीं से? जी, मैं छोटी थी तो मेरे कमलेश चाचा थे, मतलब अब वो नहीं है अब, तो उस वो सिखाते थे हमको पहले। अच्छा, पढ़ते थे, थे। आप इसी गांव से हैं? जी, और यहीं पे शादी जी हुई आपकी? अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? 12वीं तक। 12वीं तक किया आपने, बहुत बढ़िया। आप कब कब समय निकाल पाती हैं आप ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बारीकी बहुत? ये तो अपना काम ही है, हम और काम तो करते नहीं हैं। अच्छा, यही काम है तो मतलब घर का अपना काम हो गया, अब इसी का काम बस। अच्छा, फिर इसके साथ आप समय लग जाते हैं जी। ऐसी कोई ऐसी बात जो आपको पेंटिंग करते वक्त मतलब ज़्यादा अक्सर आप, कभी कभी होता है ना कलाकार के मन में कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो उसने अभी तक बनाई नहीं होती, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में कोई विचार? मेरे अंदर ये है कि मैं कभी इतना मतलब अंदर तक भी सोच पाती हूँ लेकिन उसको बाहर निकालना मेरे अंदर की बात नहीं होती, मैं ज़्यादातर मैं इनमें निकाल पाती हूँ तो इसी में दिखा पाती हूँ, मुँह से बोलना थोड़ा वो होता है जी। जी, ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई विचार है जिसको अभी उकेरना बाकी है कागज़ पर? जी, ऐसा कौन सा एक विचार जो आपको लगता है नहीं ये मेरा मतलब ये ना एक सपना या ड्रीम पेंटिंग होती है उस जी? मैं इसीलिए मैं आपको वहाँ घर में ले जाना चाहती थी, वहाँ अच्छा। पे जो जनगढ़ से हम जो जहाँ से मतलब उत्पन्न किया था काम, वही घर से मैं मतलब वही चीज़ निकालना चाहती थी लेकिन मैं वहीं निकालूंगी। चलिए ठीक है, तो रोशनी जी ने कह दिया है कि वो अपने मन के विचारों को अपने घर में जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाए हैं उसके द्वारा ही दिखाना चाहेंगी। थोड़ी देर में हम आपको इनके घर भी लेकर चलेंगे और देखेंगे कि इनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो क्या है। ठीक है रोशनी जी, फिर आपके घर चलकर देखते हैं। जी, थैंक यू।